नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। ऐसे सारे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं परंतु कभी भी प्रशिक्षण नहीं पाए, उन्हें विद्यालय में पढ़ाते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो प्रशिक्षित हों। आपको पता है 2002 में हमारे संविधान में ये संशोधन किया गया था और शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर समाहित किया गया था। 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के आधार पर कोई भी ऐसा शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है अप्रशिक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए 2009 से 15 तक। अब सरकार ने संशोधन किया है और ये मौका एक बार फिर से शिक्षकों को दिया है कि आप अपना प्रशिक्षण 2019-31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और अप्रशिक्षित हैं, इसका तात्पर्य यह है कि दो चीजें होनी चाहिए। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो और आप अप्रशिक्षित हैं तो आपका नामांकन हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपको 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए। तो तीसरा शर्त यह है कि आप 12वीं पास हो और आपको 50% अंक हो। जो शिक्षक अपनी स्नातक उपाधि प्राप्त कर चुके हैं या स्नातकोत्तर कर चुके हैं और उनको 12वीं में 50% नहीं था तो उनको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं में 50% होना अनिवार्य है, सिवाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप टीचर्स के। तो ऐसे शिक्षक जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 5% अंक की छूट है, तो उन्हें 45% अंक होने चाहिए। लेकिन अन्य शिक्षकों को 50% अंक होने चाहिए, वो इस कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। जिन शिक्षकों को 50% नहीं है वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में दाखिला ले सकते हैं। अगर आपको किसी एक विषय में कम अंक हैं तो केवल एक ही विषय में नामांकन कराइए, पूरे 12वीं में नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। जितने अंक प्राप्त करने से आपको 50% पूरा हो जाता है उतना ही अंक और जुटाइए ताकि आपका ओवरऑल 50% हो जाए। जो शिक्षक अभी नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर है। हम लोगों ने नामांकन 16 अगस्त को शुरू किया था और 15 सितंबर को यह बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी करें और अपना नामांकन कराएं। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वो NIOS के वेबसाइट अर्थात www.nios.ac.in पर आकर के जो हमारा DLED का वेब पेज है जिसका ID है dled.nios.ac.in पर स्वयं अपना नामांकन करा सकते हैं, लेकिन उनके प्राचार्य को उनके डेटा को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इस पूरे कार्यक्रम का फीस 12,000 है, पहले वर्ष में 6,000 और दूसरे वर्ष में पुनः 6,000। लेकिन पहले वर्ष के 6,000 के फीस में 1500 रुपए का छूट दिया गया है ताकि आप DD का डिश खरीद सकें। हम लोगों ने समस्त अध्ययन सामग्री स्वयं प्लेटफॉर्म पर रखा है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने अपना एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म स्वयं के नाम से लॉन्च किया है। आप गूगल पर जाकर के और सर्च करें तो आपको स्वयं मिलेगा। उसमें आप DLED खोजिए तो आपको DLED के कोर्सेज मिलेंगे और आप स्व अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। आप इन लेक्चर्स को सुने, इसके लिए जरूरी है कि आप डिश खरीदें और इसीलिए 1500 रुपए का छूट आपके फीस में दिया गया है। जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होंगे वो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और
वो आपको बाद में पता चलेगा। आपका नामांकन 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए, हम लोग आपको इसकी सूचना 30 सितंबर तक देंगे और 3 अक्टूबर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। आपको स्वाध्ययन करना है और जो पहला सेमेस्टर है वो 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 जनवरी तक जाएगा। उसके बाद हम परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कई बार कराएंगे ताकि आप अपने को और बेहतर करके और पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप जितनी बार चाहें परीक्षा दे सकते हैं, परंतु हर बार परीक्षा देने के लिए आपको परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा और परीक्षा का फीस देना पड़ेगा जो 250 रुपये है। पहले सेमेस्टर में जो 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 15 जनवरी को खत्म होगा, 3 विषय 3 पर्चे पढ़ने होंगे और इसके लिए जरूरी होगा कि आप MOOC पर अपना कोर्स पढ़ें और स्वयं प्रभा पर अपने लेक्चर सुने। आपके साथ एक शिक्षक भी होंगे जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ में हम लोगों ने एक ऐप भी डेवलप किया है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं तो NIOS DLED सर्च करें, आपको मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लें। हम लोगों ने समस्त जानकारी और अध्ययन सामग्री इस ऐप पर डाला है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और अगर इसमें कोई परेशानी आए तो आप हम लोगों को मेल करिए, हम आपकी मदद करेंगे। इस ऐप पर हम लोग अच्छे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स जो कि हम डालेंगे, आप उसको भी सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पढ़ने की जिम्मेवारी आप पर है, स्व अध्ययन करना है और आपको ही समय निकालना है। यह एक सुनहरा मौका भारत सरकार ने दिया है और अंतिम मौका दिया है कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं ताकि आप अपनी नौकरी में बने रहें। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये डिप्लोमा केवल उसी स्कूल के लिए मान्य होगा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आग्रह पर और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अप्रूवल पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS चला रहा है। इसकी मान्यता पूरे देश में होगी जैसे किसी और डिप्लोमा की होती है और आप इस डिप्लोमा को प्राप्त करने के बाद अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे विद्यालय में, किसी दूसरे राज्य में भी नौकरी के लिए अप्लाई करके और नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहना पड़ेगा। इस डिप्लोमा का पूरी अवधि 2 साल की है, परंतु हम लोगों ने ऐसा किया है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसको पूरा कर लें। आपको कुछ स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे, कुछ क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी करने होंगे और वर्कशॉप भी अटेंड करना पड़ेगा जो राज्य सरकार अरेंज करेगी और उनसे आपको सूचना मिलेगी। लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो NIOS के पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से करना पड़ेगा। आपको लगातार सूचना हम आपके SMS के जरिए देते रहेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर मेरे पास होगा तो हम लोग आपको घड़ी घड़ी जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी सूचना देंगे और समाचार से अवगत कराते रहेंगे। कुछ ऐसे शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं जिन्होंने BEd किया है, इन शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए 6 महीने का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स एक खास प्रोग्राम बनाया गया है जिसकी मान्यता पुनः NCT ने दी है। ये कार्यक्रम हम 9 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तो जो शिक्षक BEd कर चुके हैं और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उन्हें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। वो इंतजार करें, जब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का नामांकन बंद हो जाएगा हम लोग कार्यक्रम 3 अक्टूबर को शुरू कर लेंगे, तो 9 अक्टूबर से हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स में दाखिला शुरू करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम केवल 6 महीने का है इसलिए हम इसे समय रहते अर्थात 31 मार्च 2019 के पहले पूरा कर लेंगे। तो घबराएं नहीं, जो टीचर्स BEd करके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो केवल 6 महीने का कार्यक्रम करेंगे और वो 9 अक्टूबर से शुरू होगा। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में। आप नामांकन कराएं और पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि भारत सरकार खास करके प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर यह किया गया है। एक सुनहरा मौका आपके लिए लेके आई है और आप
मेरा भरोसा है कि इसमें अच्छे अंकों से पास करेंगे और अपना पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को सुचारू जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार स्वागत।